आज हाजी उमर फारूक मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से टीचर्स डे और मदर टेरेसा की बरसी मनाया गया। इस प्रोग्राम का आयोजन 60 नंबर वार्ड की प्रेसिडेंट सादिया शाहीन ने किया। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि थे यासिर हैदर और बहुत सारे टीचर्स। 60 नंबर वार्ड के स्टूडेंट को भी सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं सोशल एक्टिविस्ट यासिर हैदर और 60 नंबर वार्ड की प्रेसिडेंट सादिया शाहीन ने क्या कहा। आज जो इस इतना अच्छा एक नज़ारा देखने को मिल रहा है हाजी उमर फारूक साहब के लिए, हम लोग यहाँ सब मौजूद हुए हैं मोहतरमा सादिया शाहीन के तरफ से। इतना अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, यहाँ मंच में बहुत ही जाने माने हम लोग सब एक साथ बैठे थे और यहाँ रहने का एक ही मकसद है, क्योंकि इतना प्यार इतना मोहब्बत ये जामनगर रोड के लोगों से मिलने को मिलता है, तो बहुत ही बार बार और शाहीन मोहतरमा इनके यहाँ से जब जब दावत आता है हमेशा हम कोशिश करते हैं आने के लिए, क्योंकि ये एक सोशल अवेयरनेस सोशल कॉज कर रही हैं। और आज इतना मुबारकबाद दिन है जो हम लोग बोलते हैं टीचर्स डे के तरफ से, जो इतना अच्छा एक प्रोग्राम किया गया है। हम ये हमेशा मानते हैं कि हम लोग जो बात करते हैं जैसे अपने आप को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, अगर हमारे अच्छी तालीम नहीं मिलती या प्रॉपर एडुकेशन नहीं मिलता तो हम लोग ठीक से बात नहीं कर पाते या अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ये हम हमेशा शुक्रगुजार है हमारी टीचर जितने भी हम क्लास नर्सरी से या क्लास 10 11 12 कॉलेज मास्टर्स जितने भी हम लोग ने किया है, अगर अच्छी तालीम हमारे पेट में नहीं होती तो हम लोग इतने अच्छा प्रेजेंटेबल नहीं बात कर पाते या नहीं बोल पाते। और हम अक्सर हमेशा जहां भी जाते हैं हम एडुकेशन को प्रमोट करते हैं, हमारा जो एक बैकग्राउंड है पॉलिटिकल वो हम हमेशा बोलते हैं वो सेकेंडरी आता है, सोशल अवेयरनेस जैसे कि एडुकेशन हो गया, डिसिप्लिन हो गया, भाईचारा हो गया, हमारा मेडिसिन जो लोगों का मदद करना सोशल जो कॉज वो आगे हम हमेशा प्रमोट करते हैं और उसी के लिए हम जाने जाते हैं सब जगह। हम अपना टीचर अपने अम्मी को अपने अब्बा हुजूर को हम मानते हैं और सच्ची हम सभी को बोलते हैं कि हम सब रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हम रोज़ कभी हम इनसे कुछ सीख सकते हैं कभी हम इनसे कुछ सीख सकते हैं। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, सीखने का कोई दिन या कोई जगह नहीं होता, हमेशा एवरी डे इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमेशा सीखने का हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं, किसी से भी हम लोग कुछ कहीं भी हम लोग सीख सकते हैं सबसे। आज जो टीचर्स डे का जो प्रोग्राम यहाँ अरेंज किया गया, जैसे कि आप लोग हम लोग सबको ही जानते हैं कि 2 साल से स्कूल बंद है और बच्चे भी और टीचर्स भी, ये जो हम लोग प्रोग्राम बचपन से हम लोग स्कूल में करते आ रहे थे तो वो कहीं ना कहीं एक जज्बा था, तो वो आज बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने ये सोचा है क्यों ना कुछ रिटायर्ड टीचर्स और कुछ जो करंट अभी प्रेजेंट टीचर्स जो एजुकेशन में अभी जुड़े हुए हैं तो उनको क्यों ना आज हम लोग फेलिसिटेट करें। उन लोगों का समाज में बहुत योगदान रहा है, आज समाज जो इतने सफलतापूर्वक जो आगे बढ़ रहा है, जो आज इस तरीके से लोग बोलते हैं डॉक्टर है कोई, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो आज जो समाज की सफलता जो ये सारे नौजवानों पे है तो कहीं ना कहीं इसका योगदान हमारे टीचर्स को जाता है, तो उन्हें सम्मान देने में हम पीछे क्यों रहें। तो आज ये जो प्रोग्राम अरेंज किया है ये उन्हें सम्मान करने के लिए किया गया है, उनका योगदान के लिए समाज को किया गया है, तो बस ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए। ख़ास करके स्पेशली मैं बोलूँगी, मैं रिटायर्ड टीचर्स जो होते हैं वो आफ्टर रिटायरमेंट लोग उन्हें शायद बच्चे उन्हें काफ़ी दिन हो जाते भूल जाते हैं, वो उनको फेलिसिटेट करने का सिर्फ मोटिव ये है कि हम लोग उन्हें भूले नहीं हैं, हमें हमेशा याद हैं, बस इसी के लिए ये प्रोग्राम अरेंजमेंट है। मेरा कोशिश है हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान भाईचारा बना रहे। मैं चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर हूँ, चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले हिंदू मुसलमान भाईचारा के लिए बहुत काम किया, हिंदुस्तान का पहला हिंदू योगी था चैतन्य महाप्रभु जो हिंदू मुसलमान भाईचारा के लिए बोला। तब हमारा इधर बंगाल का जो मुसलमान शासक लोग था उसका साथ भी महाप्रभु का बहुत अच्छा रिलेशन था, हुसैन साहब था बादशाह हम लोग का बंगाल का। और पास सर्कस में आज उमर फारूक मेमोरियल सोसाइटी जो शिक्षक दिवस टीचर्स डे मना रहा है, बहुत बड़ा काम है ये, क्योंकि ये शिक्षक दिवस भारत का सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है,
सिर्फ वो ही नहीं है, सर्व राधा कृष्ण एक शिक्षक था, प्रोफेसर था, और हम लोग का जीवन में हम लोग का पिता माता हम लोग का पहला शिक्षक है, उसका बाद स्कूल का शिक्षक, मदरसा का शिक्षक और कॉलेज का शिक्षक, उसका बाद ये दुनिया में हम लोग बहुत आदमी से हम लोग का जानकारी होता है, शिक्षा होता है, वो लोग भी हम लोग का शिक्षक है, हम लोग का धर्म में हम लोग का गुरु शिक्षक है, हम लोग का पीर हम लोग का शिक्षक है। आज का दिन सब शिक्षक को मेरा तरफ से प्रणाम सलाम नमस्ते। उमर भाई की याद हमेशा रहेगी इस इलाके वालों के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम करते थे, और जितने लोग थे यहाँ, जितने लोग याद करते हैं उनको इसी हिसाब से कि जितना भी कोई तकलीफ़ में रहता था, एक्चुअली हमसे तो बहुत दिन का उनसे पहचान नहीं है, लेकिन यही मालूम हुआ कि बहुत अच्छा काम करते थे, सोशल काम बहुत अच्छा करते थे, किसी को परेशानी हो, किसी का एडमिशन हो, सपोर्ट करते थे, ये बात है। इनफैक्ट एक बार मिली कॉलेज में भी हमारा सरकार जिक्र हुआ था कि वो काफ़ी मिली कॉलेज में भी सपोर्ट करना चाह रहे थे, तो अल्लाह उनको बस जन्नत नसीब करे, यही हम बोलेंगे, और इससे ज़्यादा तो कुछ बना। आज उनका उनकी वाइफ हमारी सादिया शाहीन ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने हमको बुलाया था, तो टीचर्स डे का प्रोग्राम था, और आपको मालूम है कि मैं एडुकेशन से बहुत जुड़ा हूँ, तो मैंने बोला, और आज हमारी एक क्लास टीचर से भी मुलाकात हुई मिसेस गाउस से, सैफी हॉल की, अच्छा लगा, एक अच्छा प्रोग्राम है, बच्चों का प्रोग्राम, आज हमने उनको ये भी एक बोला है कि किसी को भी अगर कुछ एडमिशन का कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, अगर लग रहा है कि आपको इस एरिया में ज़रूरतमंद आदमी है जिसको जो पैसा की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, हम लोग उसके साथ हम लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ।